नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो ये है हमारी चैनल के ओनर सिया, और इसने भी अपना वेट लूज किया था। और सिया, कुछ दिक्कत आई आपको वेट लूज करने में? बिल्कुल भी नहीं आई, फालतू का हवा बना रखा है गाइस। और मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प किया मीशा ने, सब मुझसे टेक्स्ट कर करके पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं वीडियो में आऊं और आप लोगों से शेयर करूं और कुछ सीक्रेट्स जाने इससे कि किसने जल्दी जल्दी मेरा वेट कैसे कम करा। एक्चुअली सच में जैसे कि आप लोगों को सिया ने बताया कि कुछ भी नहीं है, एक हवा बना रखा है वेट लॉस, इट्स नथिंग। आज हम दोनों बहनें आपके सामने इसलिए आए हैं कि हम वेट लॉस का सीक्रेट आपको बताएं। तो पहला सीक्रेट है, आपको अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाना है। अब वो कैसे आप बनाएंगे? आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपना खाना बहुत चबा चबा के खाइए। आपको खाने को तब तक चबाना पड़ेगा जब तक कि खाना लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। हम क्या है, दांतों का काम ना हम लोग आंतों से करवाते हैं, दांतों का काम दांत ही करेंगे गाइस। अब आइडियली क्या होता है कि 32 टाइम्स कहा जाता है कि आपको खाने को च्यू करना पड़ेगा। तो लोग क्या है, लिटरली चबाते टाइम 1-2 टाइम्स चबाने का मतलब है इट कैन बी इवन मोर, 32 टाइम्स से ज़्यादा भी आपको चबाना पड़ सकता है। लेकिन मैंने इनको भी बताया था और इन्होंने भी स्टार्ट किया था इस चीज़ को इन्होंने भी फॉलो किया कि खाने को चबा चबा कर आपको खाना है। इससे क्या है ना कि हमारे इंटेस्टाइन को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, तो मेटाबॉलिज्म हमारा इम्प्रूव होता है। दूसरी चीज़ है, आपको हाइड्रेटेड रहना है, इससे सेल्स को भी एनर्जी मिलती है और आपको स्किन के लिए भी आपके अच्छा है, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। कहीं पे लोगों को स्टोन्स वगैरह हो जाते हैं तो उस टाइम पे भी बोला जाता है कि आप पानी ज़्यादा पीजिए, लाइक किडनी स्टोन हो जाता है कभी कभी किसी इंसान को। तो पानी हमारे लिए, इवन हमारा जो बॉडी है, हमें पता है हमारा ब्रह्मांड पे भी और हमारी अर्थ पे भी इवन 75% ऑफ वाटर वॉज देयर, अब थोड़ा उससे कम हो गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। हमारे शरीर में भी, हमारा शरीर 98% वाटर से ही है, एसोसिएटेड इसको पानी ने ही बनाया हुआ है। हमारा ब्लड भी पानी की तरह से ही, एक तरह से तरल पदार्थ ही हम बोलेंगे। तो दूसरी चीज़, आपको पानी ज़्यादा पीना होता है, खाना चबा के खाना है, पानी ज़्यादा पीना है। प्रोटीन इनटेक भी आपको इसलिए बोलते हैं गाइस कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, और भी मेटाबॉलिज्म की हम आपको टिप्स देंगे धीरे धीरे। अभी आप मोटी मोटी बात ये समझिए, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको कैलोरी इंटेक का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसीलिए चीनी मना कर देते हैं, कैलोरी डेंस है, नमक कैलोरी डेंस है, फ्राइड घी मक्खन सब कुछ कैलोरी डेंस है। इवन कार्बोहाइड्रेट्स भी, जितना भी आपका अनाज है वो सब कुछ क्या है ना कि आप एक रोटी खा लीजिए तो उसमें आपको सीधी 100 कैलोरीज चली जाती हैं, ठीक है। आप ये देखिए कि आप 20 कैलोरी का भी, मैंने आपको बताया था खाना होता है, 50 कैलोरी का भी होता है। 20 कैलोरी में आ गई आपकी सब्जियां, सब्जियों से बना हुआ सलाद, वो आप जितना मर्जी खा लीजिए, उससे आप मोटे नहीं होते हैं क्योंकि जस्ट 20-25-30 कैलोरीज है ना। उसके बाद आता है आपका 50 कैलोरी का खाना, जैसे कि फल हो गए आपके, आम खजूर और केले को छोड़ करके आपके जो बाकी के फल हैं, जैसे आपका पपीता हुआ, टमाटर भी हम फल की कैटेगरी में ही रखते हैं, टमाटर हुआ, आपका खीरा हुआ, ककड़ी हुई, उसके बाद ये तो आपके सॉरी फल नहीं सब्जियां हो गई, पपाया है आपका, इवन ग्रेप्स आपके शुगरी हैं। आप लोग, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप आराम से ले सकते हैं। क्या हुआ, आपको भी कोई एडवाइस देनी है किसी को। उसके बाद आपका 100 कैलोरी का खाना हो जाता है, जैसे कि आपको रोटी है, एक रोटी इज इक्वल टू 100 कैलोरीज। आप ये देखिए 100 कैलोरीज में आप कितना सब खा सकते हैं, ठीक है।
100 कैलोरीज हो गए आपके लाइट में आ जाती है, आपकी हल्के खाने में आ जाती है। जैसे पोहा हम प्रेफर करते हैं कि अब यार खाने को कुछ तो चाहिए ना। आप लोग हमेशा, हम लोग साधु संन्यासी तो है नहीं कि हमेशा फल सब्जी पे ही हम लोग अपना जीवन निकाल पाएंगे, नहीं है। हम कम कर सकते हैं जो प्रैक्टिकल बात है। अनाज को ज़्यादातर लोग 90% मैंने देखा है कि बोलते हैं कि हम खाएं क्या, तो ऐसा नहीं। आप कम कर दीजिए अनाज, अनाज के बाद आपके आ गया 500 कैलोरी का खाना, वो हो गया आपका जिसको कहते हैं आपका फ्राइड, मीठा और डीप फ्राइड, ये तो 800-900 कैलोरी तक जाता है। उसके बाद आ गया आपका जंक फूड, क्यों आपका भी मैंने बंद कराया था सिया, जंक फूड। और जंक फूड में आप ये देखिए, एक बर्गर में आपको 500-550 कैलोरीज चली जाती हैं, एक मिठाई, एक गुलाब जामुन आप खा लीजिए, आपका 325 कैलोरी के आसपास आप खा लेते हैं। तो आप ये देखिए ना, लोग कहते हैं हम एक घंटा पैदल चलिए, ठीक है, एक घंटे की ब्रिस्क वॉकिंग से आप 100-125 कैलोरीज बर्न करते हैं, और आप दो रोटी खा लीजिए, एक घंटे आप ब्रिस्क वॉक करके आइए, दो रोटी आप खा लीजिए, दैट इज इक्वल कंप्लीटली आपके सब एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं। सोने पे सुहागा क्या, अगर आपने उस रोटी पे घी मक्खन भी लगा लिया तो और ज्यादा कैलोरी डेंस हो गया। आपको सिर्फ गाइस अपनी कैलोरी इनटेक का ध्यान रखना है। आप गूगल भी कर सकते हैं, मैं इतना इतना खा रहा हूँ, अगर जैसे मान लीजिए एक छोले भटूरे की मैं प्लेट खा रहा हूँ तो उसमें कितनी कैलोरीज मुझे मिल जाएंगी, या अगर मैं 500 ग्राम पपाया खा रहा हूँ पूरे दिन में तो उसकी कितनी कैलोरीज। आप सूप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, तभी क्योंकि ये कैलोरीज में बहुत कम होता है। कैलोरीज में आपको हम आने वाली वीडियोज में स्नैक्स भी बताएंगे, आप कौन से स्नैक्स हैं जो कैलोरी, कई बार ऐसा होता है गाइस कि कैलोरी डेंस कुछ चीजें हैं लेकिन वो प्रोटीन में इतनी हाई है कि वो मेटाबॉलिज्म को अच्छी करती है, तो हम वेट लॉस में उसे ऐड करते हैं। मैंने अपने टाइम पे भी किया है, मैंने सिया के टाइम पे भी कराया। और उसके बाद आपका आ जाता है क्या क्या पॉइंट्स हमने अभी तक कवर किए, आपको मेटाबॉलिज्म अपना अच्छा रखना है, आपको कैलोरी इनटेक का ध्यान रखना है, और उसके बाद आपका आ जाता है आपको मोटिवेटेड रहना है, खुद पे विश्वास बहुत ज्यादा रखना है। आपका कई बार ऐसा होगा वेइंग स्केल रुक जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा कम ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, उस केस में आपको बिल्कुल भी अपनी डाइट को तोड़ना नहीं है, आप अपने आप पे विश्वास रखिए। और चौथी चीज मैं कवर करना चाहूंगी कि बहुत लंबे टाइम तक ज्यादा वजन को, जब इसका वेट जब बड़ा था तो एकदम से इसने बोला कि यार आई हैव टू डू समथिंग, तू भी कर मैं भी करूं, इवन इसी ने मुझे मोटिवेट किया, बट वी वांट दैट स्पिरिट, हां हां इसने ये स्पिरिट मुझे दी थी। इवन मैं बताऊंगी एक लोहड़ी के टाइम पे कि हम दोनों आपसे एक पिक शेयर करेंगे और एक लेटेस्ट पिक का आपसे हम शेयर करेंगे, तो उसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि लोहड़ी के टाइम पे और अभी, मतलब लोहड़ी गई थी अपना 13th of January को, लोहड़ी 13th of January को गई थी, और उसके बाद 18th of January को, मतलब मैंने फाइनली सोचा था चलो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो भी इसने बोला था कि वाई डोंट वी गो फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग दिस टाइम। मैंने इसके बीच में आपको बताया था मैंने बहुत चीट भी किया है, हाँ हाँ, लेकिन मैंने ना मतलब ऐसे अनहेल्दी चीट नहीं किया। लाइक मैं आपको बताऊंगी कि जैसे अगर मेरा मीठा खाने का मन है तो मैंने फ्रिज में से निकाल के एक दो खजूर खा लिए डेट्स। उसके बाद इसके साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरा बाइक राइस चलता है, ठीक है, वो हमसे भी हो गया था। इनफैक्ट अभी विख्यात का बर्थडे पार्टी हुआ था, हमने काफी कुछ खाया, हमने सब कुछ खाया नहीं पाए थे, बट हमने सोचा था कि आज हमारा चीट मील है जिसमें फिर हम सभी कुछ खाते, बट रोज का ऐसे मत रखो, कभी कभी वंस इन अ व्हाइल आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी मम्मी भी हमें गालियां ना दें, वो बड़े बड़े पराठे जो आपको बना के देती हैं मेरी मम्मी की तरह, वो ना आप पराठा खाइए, आप स्टफ कर लीजिए, आप आजकल वो है ना नॉनस्टिक बर्तन, वो तो बहुत इस्तेमाल होते हैं वेट लॉस में बहुत ज्यादा। मैं आपको बताती हूँ उसमें मैं क्या करती थी, उसमें थोड़ा सा जैसे मैंने घी लिया, उसको ठक ठक करके उस पर करवाया,
उसके बाद उसी को तवे पे लगा के थोड़ा सा तवे को इधर उधर करके वापस वो जो घी के ब्लॉक्स है ब्रांडे हम लोग भी खाते हैं, ब्रांडे हम सूखे खाते हैं। अभी वेट लॉस में तो इन लोगों को मिसगाइड हम नहीं करेंगे, सूखे पराठे हम लोग खाते हैं, अंदर स्टफिंग कर लेते हैं ठीक है, और सूखे पराठे हम लोग लेते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट आपको कैलोरी इनटेक का ध्यान रखना है, तभी कार्बोहाइड्रेट और आपकी शुगरी प्रोडक्ट्स और उसके बाद आपके रोटी अनाज ये सब चीज़ें इसीलिए मना की जाती हैं क्योंकि इसमें कैलोरीज ज़्यादा है। मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखना है, कैलोरी इनटेक का ध्यान रखना है, आपको अपने आप पे विश्वास बहुत ज़्यादा रखना है, आप अपने आप में यूनिक हैं, आपकी बराबरी दुनिया में किसी से नहीं है, आप जो चाहें आप कर सकते हैं, आपको रोज अपने आप को सुबह उठ के बोलना है और आपको रोज अपना वेइंग स्केल चेक करते रहना है। आपको मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप पूरी फैमिली के लिए एक घर के लिए एक वेइंग स्केल काफ़ी है ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है कि सबको अलग अलग अपने रूम्स में रखना है पर्सनली किसी का। हम लोगों ने तो दो तीन जगह पे अलग अलग एक एक वेइंग स्केल रखा है। आपको बताऊँ इन सब पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, आपको हाइड्रेटेड ज़रूर रहना है। और फास्टिंग जो अगली चीज़ है जो सेकेंड वेट लॉस जर्नी में मैंने ज़्यादा बेटर जो अपना वेट लूज करने का मैं कहूँगी कि इवन सिया का भी हमने करवाया था, इसको थोड़ी फास्टिंग की हैबिट कम है मेरी सेकंड जर्नी की, इसने तो फर्स्ट टाइम ही किया था तो थोड़ी पतली सी रहती थी, तो इसने जो अपना वेट लूज किया था वो हुआ था इसने 14:10 का किया था, यानी कि 10 आवर्स की इसकी ईटिंग विंडो होती थी, 14 आवर्स का इसने फास्ट किया था राइट। हाँ तो इस तरह से, और बीच बीच में कभी ये 12:12 भी कर सकती है, मतलब करती थी, आई मीन 12 घंटे खाना खाती थी, 12 घंटे ये भूखी रहती थी। एक्चुअली ना फास्टिंग का ये बेनिफिट होता है गाइस, फास्टिंग में क्या होता है हमारा है ना बॉडी, हम क्या करते हैं हम खाते हैं फिर थोड़ी देर काम करते हैं फिर खाते हैं फिर थोड़ी देर काम करते हैं चले जाते खाते हैं, गर्लफ्रेंड भाग जाती है तब खाते हैं, बॉयफ्रेंड भाग जाता है तब खाते हैं, मतलब कोई भी आजकल इमोशनल चल रहा है। मेरे बहुत दोस्त लोग कहते हैं चल पार्टी भी, तो हमें ये चीजें भी गाइस अवॉइड करनी पड़ती है क्योंकि जब तक आप मन से रेडी नहीं होते आप लोग कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ आपको जो अगला सीक्रेट मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि आपको गर्म पानी, सर्दियों में तो हम पी सकते हैं, गर्मियों में थोड़ा सा मुश्किल है, अगर हो पाए पॉसिबल तो वेल एंड गुड, नहीं तो देख लीजिएगा सादा पानी पी लीजिएगा। गर्म पानी क्या होता है, आप ये देखिए जापान में 99% लोग मोटे नहीं होते, क्या पीते हैं सुबह से शाम तक गर्म पानी। गर्म पानी आपकी बॉडी के लिए, ओवरऑल हेल्थ, आपका मेटाबॉलिज्म, हर एक चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गर्म पानी वेट लॉस में आपको एक मेडिसिन की तरह, एक औषधि की तरह से काम करता है। अगला सीक्रेट ये हुआ कि आपको गर्म पानी जो होता है ना गाइस, गर्म पानी आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत बूस्ट करता है। पानी तो वैसे हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हम सभी जानते हैं हमारा शरीर तो 98% पानी पे हैं हम लोग, तो गर्म पानी जो है एक औषधि की तरह, एक मेडिसिन की तरह मोटापे में काम करता है, जो मोटापा है उसे कम करने में गर्म पानी बहुत, खाली गर्म पानी पीकर ही आप एक महीने का 2-3 किलो वजन कम कर सकते हैं। जब भी प्यास लगे गर्म पानी पीजिए, अभी गर्मियां हैं मुश्किल लगेगा, हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भी पी पाएंगे, तो ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं, पानी हमें ऐसा पीना चाहिए जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को सूट करे, सामान्य पानी, ना ठंडा ना गर्म, अगर आप गर्मियां हैं तो सामान्य पानी आप पीजिए, आप नॉर्मल वाटर पीजिए, वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और आप ये देखिए जापान एक एग्जाम्पल लेते हैं, जापान में 99% लोग मोटे नहीं होते, सुबह से शाम तक क्या करते हैं गर्म पानी पीते हैं, तो गर्म पानी एक मेडिसिन है आपके लिए। और
और इसके अलावा गर्मियाँ आ रही हैं तो आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स तो अभी मैंने सोक कराया था उसको ओवरनाइट, सुबह से शाम तक किया, उसी में छोटे छोटे से स्प्राउट आ गए, अगले दिन स्टीम करके हमने उसे ले लिया। स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं वेट लॉस में भी और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह ऐड ऑन हो जाते हैं जब वो स्प्राउट्स आते हैं उसे, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। एक सैलड में आप ऐड कर सकते हैं उसे, कई तरह से आप उसको ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है, हमें भी तो आपकी ज़रूरत है। आप कमेंट बॉक्स में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर हमें आपको कुछ एडवाइस देनी हो, अगर हमारे अंदर आपको कुछ सुधार की गुंजाइश लगे तो भी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नमस्ते, जय माता दी।